क्या एक ऐसा व्यक्ति चुप बैठ सकता है जिसकी दादी ने इस देश के लिए जान दी हो, जिसके पिता ने इस देश के लिए जान दी हो? जो हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने देश के किए हैं, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो किसी बात का जवाब दे सके। हिंदुस्तान में रोजगार बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि दिल्ली की सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम नहीं करती। राहुल गांधी बहुत दिन से बहुत विषयों को उठा रहे थे और बहुत ताकत से उठाया उन्होंने, और उसमें जो सच्चाई थी उस सच्चाई को जनता के सामने लेकर जाने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया था। माफ करना कहना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, जिस मुश्किल काम को उन्होंने उठाया। क्या राहुल गांधी चुप बैठते जो हालात पैदा हुए हैं, जो नफरत पैदा की जा रही है, क्या राहुल गांधी चुप बैठते जो इकोनॉमिक हालात लोगों के हुए हैं? आज रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़े हैं, और जब तक वो साइकिल नहीं चलेगी नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को, नौकरी नहीं मिलेगी तो नौजवान कहाँ जाएगा? जो हमारे बहुत सारे संस्थान से उनको बेच रहे हैं या प्राइवेट खातों में दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक पीड़ा उठाया जनता को आधार करने के लिए, और जिसका जनता ने बहुत जोर से स्वागत किया। 45 करोड़ से ज्यादा भारतीय इतने हताश और निराश हो गए हैं नौकरी ढूंढते ढूंढते, उन्होंने रोजगार की तलाश करना ही बंद कर दिया है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज़ है।